केल्विन से दिनेश आर्यन, आज आपको ओडब्ल्यूसी मशीन के बारे में, जो कि 200 केजी की मशीन है, इसके बारे में आपको आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके बारे में स्पेसिफिकेशन और ये सारा डिस्कशन करेंगे कि कैसे मशीन वर्किंग करती है। सबसे पहले जो केल्विन वाटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये ओडब्ल्यूसी डिफरेंट अलग अलग टेक्नोलॉजी की मशीन जो बनाती है, प्रोडक्शन यहाँ पे जो रहता है वो इन वेसल टेक्नोलॉजी, जो कि आपका पूरा का पूरा ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है लो एनर्जी के साथ में। एक जो है हीटिंग थर्मल पैड के साथ में मशीन होती है, 24 आवर टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन बनाते हैं, और एक बैच प्रोसेस। तो बेसिकली 3 टाइप्स की मशीन्स हम ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो इस बारे में आज हम आपको थर्मल हीटिंग वेस्ट मशीन, जो कि 24 आवर के अंदर मैन्योर प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में स्टार्टिंग वर्किंग। सबसे पहले हम हीटर से स्टार्ट करने से पहले हम श्रेडर के बारे में बताएंगे, और श्रेडर को एक बार ट्रायल भी करके दिखाएंगे आपसे। हमने इसको 40 आवर वर्किंग करके ट्रायल के लिए डन हो चुकी है, ट्रायल इसका हो गया है, आपको एक बार वर्किंग प्रोसेस बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अमित, आप पैनल की साइड आइए और श्रेडर ऑन कीजिए। आप अभी जो देख पा रहे हैं, हमने श्रेडर के जो होपर है इसका गेट ओपन कर दिया है और श्रेडर स्टार्ट हो गया है। हम इसके अंदर फीड करेंगे। हम ट्राई करते हैं थोड़ा हार्ड मेटल के साथ में ट्राई करें, तो कुछ नारियल के जो ये हैं आए हुए हैं भाई, इसमें डालिए, इंसर्ट कीजिए। हाँ, एक एक दो दो पीस डालिए। तो ये आप इसका वर्किंग देख रहे हैं, इस टाइप से लीफ है, ये जो भी ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट है सभी हम इसमें श्रेडर के थ्रू श्रेड करेंगे। सबसे इनिशियल स्टेज पे जो पहली जो वर्किंग है श्रेडर के साथ में, डालिए, फीड कीजिए। राइट, तो ये आप श्रेडर को देख रहे हैं, श्रेडर वर्किंग कर रहे हैं एक प्रोसेस के साथ में। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इसका, नेक्स्ट में इन वेसल में डायरेक्ट ये गार्बेज ओडब्ल्यूसी ऑर्गेनिक वेस्ट नीचे आ जाएगा वेसल के अंदर, मेन चैम्बर के अंदर, वहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चैम्बर के अंदर हमारे पास गार्बेज आ जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट, वहाँ पे 24 आवर में ये प्रोसेस होता है। थर्मल पैड के साथ में हीटिंग वेस्ट मशीन है, तो इसमें 7 आवर के अप्रोक्स मशीन 24 आवर के अंदर चलती है और इसमें प्रोसेस होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग या जिस टाइम भी हम फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे उसके 24 आवर के बाद में हम इसमें मैन्योर को रेडी करके आउटपुट के साथ में ले सकते हैं। तो हम वो भी ट्राई करके देखते हैं कि भाई किस टाइप से गार्बेज जो कि हमारे मैन्योर फॉर्म में हो वो निकलता है आउटलेट से। आप इसको कवर कीजिए, बंद कीजिए। अब जैसे नेक्स्ट डे 24 आवर के बाद में मैन्योर हम किस फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि हम इसको ट्रायल ले चुके हैं 48 आवर, तो आप देखेंगे कि इस फॉर्म में ये आपको आउटपुट गेट से बाहर गार्बेज जो कि एक मैन्योर फॉर्म में निकलेगा। और इस प्रोसेस के अंदर 20% जो ऑर्गेनिक वेस्ट है मैन्योर है मशीन के अंदर रहेगा। वो इसको हमने इसलिए किया है कि वो मेंटेन करे, नेक्स्ट प्रोसेस प्रॉपर वर्किंग हो पाए। तो ये आप देख रहे हैं, हमने श्रेडर के थ्रू श्रेड फीड भी किया है और 24 आवर के बाद में जो प्रोसेस होता है वो भी हमने इसमें आउटपुट गेट के थ्रू इसमें कंपोस्ट जो कि मैन्योर फॉर्म में है वो निकाल के आउटपुट गेट से निकाल के दिखाया है। बाकी मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, फुली स्टेनलेस स्टील की मशीन्स हैं, चैम्बर है, हैवी ड्यूटी के गेयर बॉक्स और मोटर इसमें असेंबल्ड है, कंप्लीट स्टील की मशीन बनी हुई है,
हम इसमें ऑल ओवर इंडिया ओडब्ल्यूसी मशीन की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की मशीन सप्लाई करते हैं, और ये आउट ऑफ इंडिया भी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इस टाइप की मशीन है। थोड़ा इस बारे में टेक्निकली जो है इसके ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, इसको एक सिंगल अलग से वीडियो में आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।